अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। चलिए जी, आज मैं आपको लेकर जाती हूँ अपने साथ हुरफ़ान। हम लोग आ गए थे, हमने सोचा क्यों ना लॉन्ग ड्राइव की जाए, तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे शीश रेस्ट एरिया। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के रेस्टोरेंट्स थे और छोटे छोटे से स्टॉल्स थे, जैसे हमारे ढाबे से होते हैं, इन्होंने वैसा भी ओपन किया हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर प्रैम में बेटे को लेकर घूमते रहे, हमने पी चाय और यहाँ पे माउंटेन्स का बड़ा ही खूबसूरत व्यू था और वेदर भी बहुत अच्छा था। नॉर्मल रूटीन में जो आपकी नॉर्मल रूटीन होती है ट्रैफिक और रश से, अगर आप हटकर लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और आपको डिफरेंट व्यूज़ मिलें तो आपका वीकेंड बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। यहाँ पर जो डिफरेंट फूड के उन्होंने स्टॉल्स बनाए हुए थे, रेस्टोरेंट्स थे, उनके बाहर बहुत ही खूबसूरत सिटिंग्स भी थी। यहाँ पर जो इन्होंने डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हुए थे उसमें फ्रूट्स के स्टॉल्स सबसे ज़्यादा थे, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर रुक गए। मेरे हस्बैंड को जहाँ पर भी फिग नज़र आए या शहद नज़र आए तो उनकी कोशिश होती है कि लाजमन ले ली जाए। डिफरेंट किस्म के स्नैक्स से अच्छा है कि कोई अच्छा सा फल खाया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने हनी परचेज़ हमने कर लिया था। हनी जो था वो ऐसा था जो कॉम हनी होता है, जैसे आप दरख्त से उतारें और वैसे का वैसा पीस ही बॉक्स में डाल दें, तो ये हनी था और ये बहुत ही मज़ेदार था। हमने ये परचेज़ कर लिया। इन्होंने साथ ही हमें स्पून भी दे दिए थे कि आप साथ ही से खाएं। तो यहाँ पर हम बैठ गए थोड़ी देर के लिए। बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी, बेटा भी आराम से देख रहा था। जो वहाँ की कंस्ट्रक्शन थी उसके बारे में सारी डिटेल थी उसके अंदर। हुरफ़ान हम लोगों ने पहले भी बहुत दफ़ा विज़िट किया है, शीश पार्क भी किया है, तो इस दफ़ा हम फर्स्ट टाइम शीश रेस्ट एरिया में रुके थे। थोड़े से आगे जाकर बच्चों का था प्ले एरिया, तो हम लोगों ने बेटे को वहाँ उतार दिया था। यहाँ पर प्ले एरिया में बच्चों के साथ बच्चों को देखकर आहत काफ़ी खुश होता रहा और डिफरेंट किस्म के झूले थे। अब हमने इसको स्लाइड भी दिलानी शुरू कर दी है, तो यहाँ पर ये आकर काफ़ी खुश हो रहा था। प्ले एरिया में आने से पहले आहत जो है प्रैम में खड़े होने की इतनी कोशिश कर रहा था कि वहाँ से ये गिर भी गया। आजकल इसने गिरना शुरू कर दिया है, रोज़ दिन में 2 या 3 दफ़ा लाजमन गिर जाता है। बस जैसे ही यहाँ पर ये गिरा और मेरा मूड इतना सख्त डाउन हो गया, मेरा सर इतना दर्द शुरू हो गया। रास्ते में हमने चाय पी, वापसी के लिए निकल गए। तो ये ओमान का जहाँ पर एंट्री है या बॉर्डर है, वहाँ पर ये हम लोगों ने ए स्वीट भी ले लिया। ये बहुत मज़े का होता है। और वापसी पे घर आते वक्त हम लोग तुर्किश रेस्टोरेंट से उनका जो चिकन है वो भी पैक करवा कर घर ले आए। घर आके बस हमने ये खाना खाया और उसके बाद जी रेस्ट हमारा पूरा दिन लॉन्ग ड्राइव में निकल गया था। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आऊँगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।